आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी एनएमएमटीच्या तुर्भे आगाराला भेट देऊन येथील कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी आमदार मंदाताई म्हात्रे व परिवहन सभापती साबू डॅनियल यांच्यामध्ये एनएमएमटीमध्ये उत्तमोत्तम सुविधा देण्याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीत अतिरिक्त पालिका आयुक्त संजय पत्तीवार, परिवहन व्यवस्थापक शिरीष आरदवाड, भाजपचे राजेश पाटील, मारुती भोईर, भाजपचे पदाधिकारी व इतर परिवहन अधिकारीही उपस्थित होते. तुर्भे परिवहन विभागात 450 कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू असल्याची माहिती परिवहन सभापती साबू डॅनियल यांनी आमदार मंदाताई म्हात्रे यांना बैठकी दरम्यान दिली. एनएमएमटीच्या माध्यमातून प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा देण्याकडे आपला कल असल्याचं आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. एनएमएमटी ही नवी मुंबईकरांची रक्तवाहिनी असून एनएमएमटीमध्ये चांगल्या सुविधा असणं गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं. मैंने पूरा जायजा लिया, उन्होंने अहवाल दिया था, उस अवाल को हम लोग ने स्टडी करके आज इधर आए हैं हम लोग. और ये एनएमटी जो बस सेवा है, ये महानगर पालिका की रक्तवाहिनी है. जैसे अपने शरीर में हर रक्तवाहिनी चलती है तभी अपना शरीर काम करता है, वैसे ये महानगर पालिका की रक्तवाहिनी बंद नहीं पड़ना चाहिए. आगे किस तरीके से ये इसको नफा में आएंगी, टोटा हम कम करेंगे, जो कर्मचारी काम नहीं करते हैं और बैठ कर पगार लेते हैं, या तो कर्मचारी आते ही नहीं है, ये सब जायजा आज हम लोग ने लिया है. हम चाहते हैं कि ये जो बस सेवा है, इस सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा हम सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से पैसा लाकर ये बस सेवा अच्छे से अच्छा दर्जा की सुविधा हम इस जनता को कैसे तरीके से देंगे, इस पे आज विचार विनय चला. और इसमें हमारे जो सभापति साबू डैनियल जी थे, डॉक्टर पतिवार जी थे, सभी अधिकारी थे, और डॉक्टर राजेश मेरे साथ आए हुए, सभी ने इसके ऊपर चर्चा की. इस चर्चा में से हम लोग ने ये बात तय की है कि हम आने वाले 6 महीने में इसका जो तोटा है वो किस तरीके से कम कर सकते हैं, हम जाहिरात कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अच्छे बस डेपो, बस का जो स्टाफ है ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की, बजट पे चर्चा की. और हम सीएम को जल्द से जल्द मिलेंगे, और जो हमको पुलिस से पैसा नहीं आता है, शुल्कों से पैसा नहीं आता है, और 30-40 लाख रुपया जो पेमेंट बाकी है, अगर वो आएगा तो बस सुविधा में और हम अच्छे से काम कर सकते हैं. अभी इन्हीं लोगों ने दिसंबर 3 को बस डे पूरी नवी मुंबई में सभापति ने कहा कि हम लोग मनाना चाहते. बहुत अच्छी खुशी की बात है कि पुणे के बाद हमारी नवी मुंबई कुछ सोच रही है कि एक दिन में सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी घर में रख के बस में से जाएंगे. इस बस में से जाने से प्रदूषण कम होगा, उस दिन की डीजल पेट्रोल बच जाएगी, लोगों को ट्रैफिक जो आज हो रहा है वो प्रदूषण कम हो जाएगा. ऐसे नई नई सेवा अगर बस सेवा में परिवहन में आती है तो मुझे लगता है निश्चित स्वरूप में अभी के जो सभापति है उस सभापति के नेतृत्व में बहुत अच्छा अच्छा काम होगा, और हम लोग इसका जो उपयोग है वो जनता के लिए अच्छी तरीके से कर सकेंगे. ऑटोमेटिक बस आनी चाहिए, सीएनजी पे बस चलनी चाहिए, ताकि प्रदूषण से बहुत सारी चीज़ों पर आज हम लोग ने यहाँ बातें की है, और काफ़ी अच्छा अधिकारी लोगों ने इसका जवाब दिया और करना चाहते हैं. उनके दिल में तमन्ना है कि एक अच्छा बस सेवा नवी मुंबई की पूरे महाराष्ट्र में उभर कर ऊपर आए, कम से कम लॉस और नफा इसका भी तालमेल अगर अच्छे से बैठ गया तो भी ये बस सेवा हम अच्छी तरीके से नवी मुंबई को. अभी मिनी बस जहाँ जहाँ गाँव है वहाँ वो नवी मुंबई में मिनी बस चलाने की कोशिश करने वाले, आपने देखा कि शिरोने, बेलापुर है, दरावा करावा है, इस गांव में टर्न भी नहीं होता है बड़ी बस से, और ट्रेनिंग देने वाले हैं ड्राइवरों को, अच्छे जो जो इंस्ट्रूमेंट आएंगे उसकी ट्रेनिंग होगी, काफ़ी हर चीज पर हमारी आज यहाँ पर बातचीत हुई है. या भेटीत आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी एनएमएमटीतील सुविधेविषयीचे आपले विचार परिवहन सभापती साबू डॅनियल यांच्या समक्ष मांडले. तर साबू डॅनियल यांनीही यापुढे एनएमएमटीमध्ये उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. आमदार मंदाताई म्हात्रे यांना 20 वर्षाचा कामाचा प्रदीर्घ अनुभव असून या अनुभवाचा त्या पुढेही असाच उपयोग करतील. त्याचप्रमाणे एनएमएमटीच्या माध्यमातून प्रवाशांना चांगली सुविधा मिळावी यासाठी त्या नक्की शासनस्तरावर प्रयत्न करतील असं साबू डॅनियल यांनी सांगितलं. ताईने अच्छा अच्छा सजेशन दिए, ताईने हमारा साथ में कांग्रेस पार्टी में उन्होंने काम किया, उसका अच्छा एक्सपीरियंस है उस बारे में.
क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ में पहले से जुड़ा था, उसको इससे अच्छा उसका प्रशासकीय बाप के बारे में और बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छा स्टडी है। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आमदार बना था, उस टाइम ही विधानसभा में विधान परिषद में उन्होंने काम किया है, उन्होंने नागपुर में अच्छा भाषण दिया था, मुंबई में विधानसभा में अच्छा भाषण किया, वो एक्सपीरियंस है। एक अच्छा पार्टी का रूप में 125 साल का जूना कांग्रेस पार्टी जैसा पार्टी के साथ में उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश में काम किया, वो एक्सपीरियंस है। बाद में राष्ट्रवादी में काम किया, वही एक्सपीरियंस के साथ में अभी अच्छे अच्छे सजेशन दिए, उसको मैंने पूरा अडोप्ट करने की कोशिश करी। जो कुछ सजेशन है हमारे से हम उससे बहुत उम्मीद है क्योंकि हमारे साथ में काम किए ले। पार्टी में कोई भी पार्टी में कुछ दिन के लिए गया तो उसकी बड़ी बात नहीं है, हमारा ताई तो ताई है, हमारे लिए काम करेगा, जो नवी मुंबई के लिए काम करेगा। हमारा पहले नवी मुंबई महानगर पालिका में नगर सेविका करके और बाल कल्याण में सभापति करके उन्होंने काम किया है। नवी मुंबई के लोगों को पूछना चाहता हूँ, सरकार से फायदा नहीं, नहीं मेरा पूरा सुनने दो ना, आपने उस एक्सपीरियंस को उन्होंने पूरा फल करके महाराष्ट्र शासन से कितना हो सकता है उतना पैसा लाने के लिए वो कोशिश करेगा। खाली स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उसका मुलाकात आदरणीय मोदी साहब से भी हो गया, वो उसका भी फायदा हो जाएगा हमारा नवी मुंबई को जरूर। एक्सपीरियंस रहे क्योंकि वो 125 साल का जूना कांग्रेस पार्टी के साथ में उन्होंने काम किया है, एक दो साल नहीं है उसका एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस एक दो दिन का नहीं है। हमारे साथ में कितना आंदोलन में आ गया है, छगन भुजबल साहब के साथ में आंदोलन में आया, तटकरे साहब के साथ में आंदोलन में आ गया, आदरणीय पवार साहब का नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में काम किया उन्होंने, उसके एक्सपीरियंस है उसको। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत कापसे सह राज चव्हाण, MVTV।